हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो वीडियो रे एटा होची बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो नंबर 3। ए वीडियो रे हम डिस्कस करबा थर्मोनिक एमिशन। तो लास्ट वीडियो रे हम डिस्कस करथले व्हाट इज एमिशन, एमिशन कोन आउ ता भितर टर्म्स आथला वर्क फंक्शन, सरफेस बैरियर। तापर हम लास्ट रे जानथले टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन रे प्रथम जो टाइप थला सेटा होची थर्मोनिक एमिशन। ठीक अछि, तो जो चार प्रकार टाइप्स थिला, फर्स्ट टाइप टे थिला थर्मोनिक एमिशन। तो ए वीडियो रे हमें थर्मोनिक एमिशन को पूरा एक्सप्लेन करबा डिटेल्स रे। ठीक है, तो ए वीडियो रे हमें कौन कौन फर्स्ट डिस्कस करबा। फर्स्ट जानबा व्हाट इज इट हैज कंटेंट्स दे व्हाट इज थर्मोनिक एमिशन। तापर थर्मोनिक एमिटर कौन, पुणी सेकंड रे जानबा जे प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोनिक एमिटर। तापर कॉमनली यूज्ड थर्मोनिक एमिटर। तापर जानबा कैथोड कंस्ट्रक्शन। तो सब जिनस धीरे धीरे गोटे गोटे करके जानवा कि मानने मन सेमती किसी डाउट रखे गुड़ा कौन नुआ नुआ जिनस बोली। तो गोटे गोटे करके आम सब जिन जाना। तो फास्ट आम जानवा ह्वाट इज थर्मोनिक एमिशन। तो थर्मोनिक एमिशन ये जो ना रु तुम जो ना कह थर्मोनिक THERM थर्म मान कौन मान थर्माल रु थर्म हो आयोनिक IONIC थर्मोनिक मान आयोनिक। तो थर्माल एनर्जी प्रोभाइड दबा द्वारा आमर कौन से आयोनाइज हो जाए, चार्ज हो गला मैंने पार्टिकल इलेक्ट्रॉन आहुरी एक्साइट हो जाए, आयोनाइज से थर्मल आउ आयोनिक मिसेक थर्मोनिक बोली कहु। ठीक अच्छे, तो व्हाट इज थर्मोनिक एमिशन से कहे द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम ए मेटल सरफेस बाय सप्लाइंग थर्मल एनर्जी टू इट इज नोन एज थर्मोनिक एमिशन। तो देख, धर गोटे नॉर्मली गोटे कंडक्टर रे आमर इलेक्ट्रॉन रोजन। तो इलेक्ट्रॉन गुड़ा कौन जितने नॉर्मल टेम्परेचर रे रूम टेम्परेचर रे से फ्री इलेक्ट्रॉन गुड़ा कौन एमती रैंडमली थे कि भितर एत एनर्जी नजे से सरफेसटा को ओवरकम कर सरफेस बैरियर को ओवरकम करे। कि आम बाहर किसी एक्सट्रा एनर्जी दबा, एनर्जी दबा मानने कौन धर आम ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी दौर मैंने से हीट कराऊँ। जदि से हीट करदेगा तो जो इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन गुड़ा अच्छा से गुड़ा आउटे एनर्जी मिल जाए मैंने से गुड़ा एक्साइटेड होते हैं। से एनर्जीटा जो हीट एनर्जी जो सफिसीयंट हो सफिसीयंट मैंने के मोर मैंने इक्वाल टू तक वर्क फंक्शन मैंने जीक एनर्जी दरकार सरफेस बैरियर को ओवरकम करने जितने सहित सामान होम एनर्जी प्रोभाइड मैंने थर्म जीक आम गरम करदे जहाँफल से इलेक्ट्रॉन मानक वर्क फंक्शन जी एनर्जी दरकार से मिल जाए से इलेक्ट्रॉन कौन ए सरफेस रु सब एमिट होगा लगे। तापर आम स्टार्ट कौन इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक अच्छे, तो से तो आम ये क्यों कौन थर्मल एनर्जी देक इलेक्ट्रॉन एमिशन करुचे। तो ये देख से सी कही द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम ए मेटल सरफेस बाय सप्लाइंग थर्मल एनर्जी। तो गोटे मेटल सरफेस आम नॉर्मली मेटल ही यूज करुचे ना कहीं मेटल हिं फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक था से आम अल्प एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एमिशन कर पार कंपेयर टू सेमिकंडक्टर आउ इन्सुलेटर कथा तो छाड़ दिए कहीं से मैंने मैंने कौन मैंने से कहला भाई अलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन जीरो कहले चले। तो आम जदि यटा को आम यहाँ मेटल सरफेस जब एमिट कराया चाहिए तो ये देख यहाँ गोटे कौन फिलामेंट भाया सी कर तो यहाँ को हिट कराऊँ एथे धर ये पॉजिटिव देला ये नेगेटिव देला ये करंट जब पास करा धर हिट है एत यू एत परिमाण में हिट कराजे ये जो इलेक्ट्रॉन गुड़ा ये अच्छा ये जो आमर ये फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन सब एमिट होगा लगे जहाँफल एपटे धर आनोड लगे ये गोटे क्लोज सर्किट मानने गोटे धर मान ग्लास ट्यूबटे होते सी कौन करेंगे ये इलेक्ट्रॉन गुड़ा कैथोड को फ्लो हम जहाँफल आउटर साइड में आम करंट कंटिन्यू कर। ठीक अच्छे, तो यहाँ हूँ थर्मोनिक एमिशन। तापर आम जानवा थर्मोनिक एमिटर कौन। तो एमिटर कौन जी एमिट करे धर ये गोटे मेटल सरफेस मेटल टाइम रखीचे आठ आम रहा कैथोड। तो यही जदि एमिट है जो एमिट है एमिटर। तो एमिटर मान कौन जो यहाँ देख यो फिगर में देखिए यहीटा हमारे एमिटर ये फिलामेंटा एमिट करुच्चे इलेक्ट्रॉन कौन ये फिलामेंटा कौन कराई हूँ बैटरी सप्लाई दिखाई। तो फिलामेंट जितने करंट फ्लो हो फिलामेंटा गरम हो गरम होगा फल एत गरम हो जाए इलेक्ट्रॉन सब फ्लो हो नर्माली युवा कौन ना हाई टेम्परेचर मैंने मोर दैन 500 डिग्री सेलसीयस मैंने 1500 डिग्री सेलसीयस ही आम
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଏମିଟ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ବି ସେହି ହିସାବରେ ଚୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ କି ଏତିକି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ। ଆମର ନର୍ମାଲି ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ ନିଆଯାଏ, କାହିଁକିନା ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ର ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକ, କପର୍ଟା ନେଇ କପର୍ଟା କପର୍ର ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ୍ ବହୁତ କମ୍, ମାନେ ସେଇଟା କମ୍ ଏନର୍ଜିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଏମିଟ୍ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି 810 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ସେଥିପାଇଁ ସେ 1500 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହେଉ ସେ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଏଭାପୋରେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ହିସାବରେ ଆମକୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ବି ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ମାନେ କେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଫିଲାମେଣ୍ଟଟା ବନିଆ ହେବ, ଯେଉଁ ଏମିଟର୍ଟା। ତ ଏମିଟର୍ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଫିଲାମେଣ୍ଟଟା ଏମିଟ୍ କରୁଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିଟର୍ କରାଯାଏ, ମାନେ ଏଇଟା ଏମିଟ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଏଇଟା ଏମିଟର୍, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କ୍ୟାଥୋଡ଼। ତ ଏପଟେ ଆଉଟର୍ ଏପଟେ ଧର ନେଗେଟିଭ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଏପଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଏପଟୁ ଏମିଟ୍ ହେଇକି ପଜିଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ଦ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଏମିସନ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଏମିଟର୍ ଅର୍ କ୍ୟାଥୋଡ଼। ତ ଯେଉଁଟା ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଏମିସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ଏମିଟର୍ କୁହାଯାଏ। ଦ କ୍ୟାଥୋଡ଼ ଇଜ୍ ହିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଏଭାକୁଏଟେଡ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟୁ ଏମିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସ। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାଥୋଡ଼ଟା ହିଟ୍ କରାଯାଏ ଏଭାକୁଏଟେଡ୍, ଏଭାକୁଏଟେଡ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଭିତରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ଏୟାର୍ ବି ନଥିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଏୟାର୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ଏତେ ହିଟ୍ କରାହେଉଛି ଏଇଟା ଜଳିଯିବ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଲେ କି ଏଇଟା ଜଳିଯିବ। କାହିଁକି ଇଫ୍ ଦ କ୍ୟାଥୋଡ଼ ୱେୟାର୍ ହିଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଇନ୍ ଓପନ୍ ଏୟାର୍, ଓପନ୍ ଏୟାର୍ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ବର୍ନ୍ ଅଫ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଏମିସନ୍ କରାହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାଥୋଡ଼ଟାକୁ ଯେଉଁ ହିଟ୍ କରାହେଉଛି, କ୍ୟାଥୋଡ଼ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକୁ ଏମିଟର୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଯେଉଁ ମେଟାଲ୍ଟାକୁ ଆମେ ହିଟ୍ କରୁଛେ ସେଇ ମେଟାଲ୍ ସର୍ଫେସ୍ରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଏମିଟ୍ ହେଉଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ହିଟ୍ କରାହେଉଛି ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଧର ଗ୍ଲାସ୍ ଚାମ୍ବର କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ରଖିକି ସେଇଟା ଧର ଗ୍ଲାସ୍ ନର୍ମାଲି ଗ୍ଲାସ୍ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ରଖାଯାଏ, ଗ୍ଲାସ୍ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ଏୟାର୍ ବି ନଥିବା ଦରକାର। ତ ଏୟାର୍ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏୟାର୍ରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି, ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲେ ସେଇଟା ଜଳିଯିବ। ଏଇ ଫିଲାମେଣ୍ଟଟା ଯେଉଁ ମାନେ ମିନିମମ୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କନସିଡ଼ର କରାଯାଏ ମୋର ଦେନ୍ 500, ଯେଉଁ 1500 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ତ ଏଇ ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଳିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଏୟାର୍ରେ କରାଯାଏ, ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ରହିଲା ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଥର୍ମୋନିକ୍ ଏମିଟର୍। ତ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏମିଟର୍ଟା ତିଆରି ହେଲା, ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଧର ଏମିଟର୍ ଏଇଟା ଧର କହୁଛେ ଏଇଥିରୁ ଆମର ଏମିଟ୍ କରିବା, ତ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଏମିଟର୍ର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର, ସେ କହୁଛି ଲୋ ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ୍। ଲୋ ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ୍ ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ଧର ଆମେ ଯେତେ ଆର ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ୍ ଲୋ ହେବ, ସବୁ ମେଟାଲ୍ ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା, କେଉଁ ମେଟାଲ୍ରେ ଧର ଧର ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଧର ଆମର ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ର ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ୍ ଧର ମୁଁ କହିବି ଆମର 4.25 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଭୋଲ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ତା'ର ସେଥିରେ କିଛି ଅଲଗା ମେଟେରିଆଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛେ, ତା'ର ପୁଣି କମିକି ସେଇଟା ହେଇଯାଉଛି କରିଦେ କେତେ 2.something ତା'ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଭୋଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତା ମାନେ ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ୍ ଯେତେ କମି ଯାଉଛି, ସେତେ କମ୍ ଏନର୍ଜି ଦେଇକି ସେଥିରୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଏମିଟ୍ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଲୋ ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ୍ ହେବ ଆମର ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା, ମାନେ ହିଟ୍ କରିବାଟା ବି ସେତେ କମ୍ ହିଟ୍ରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଏମିସନ୍ ହେଇପାରିବ। ତା'ପରେ ହାଇ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ତ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହାଇ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହାଇ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଧର ଆମେ ଧର ଆମର କପର୍ର ଯେଉଁଟା ତମ୍ବାର ହେଉଛି ଆମର ଆମର ୱାର୍କ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଲୋ, ମାନେ କମ୍ ଏନର୍ଜି ହିଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ଏମିଟ୍ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି 810 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ମିନିମମ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର 1500 ଡିଗ୍ରୀ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଏମିସନ୍ ସହଜରେ ହୋଇପାରିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏତିକି ଯେଉଁଟା 810 ଡିଗ୍ରୀରେ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ସେ 1500 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ କି, ସେ ଏଭାପୋରେଟ୍ ହୋଇଯିବ, ବାଷ୍ପ ହୋଇଯିବ। ତା'ପରେ କହୁଛି ହାଇ ମେକାନିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ, ହାଇ ମେକାନିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି, ସେ କହୁଛି କ'ଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଏମିସନ୍ କରାଯାଏ ସେ ଗୋଟେ ଏଭାକୁଏଟେଡ୍ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ତାକୁ ରଖାଯାଏ, ଧର ଆମର ଏଇଟା ଧର ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ତାକୁ ଏଭାକୁଏଟ୍ କଲେ ବି ତା ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଏୟାର୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ରହିଯାଏ, ଆଉ ଏୟାର୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ ଧର କ୍ୟାଥୋଡ଼ ଆନୋଡ଼ ଅଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଫ୍ଲୋ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏୟାର୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି, ତ ଏଇ ଏୟାର୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆୟୋନାଇଜ୍ ହୋଇଯାଏ, ତା ଯାହାଫଳରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଆୟୋନାଇଜ୍ ହେଇକି ଧର ଏଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଆମର ଆନୋଡ଼ ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ହାଇ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିବେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର କ୍ୟାଥୋଡ଼ ସହିତ ସେଇ ପଜିଟିଭ୍ ଆଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ, ତ କ୍ୟାଥୋଡ଼ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମେକାନିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକର ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ସେ କହୁଛି, ତା'ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଥର୍ମୋନିକ୍ ଏମିସନ୍ କ'ଣ, ତା'ପରେ ଏମିଟର୍ କ'ଣ, ତା'ପରେ ଏମିଟର୍ କ'ଣ କ'ଣ ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଆମେ ଆଜ୍ ଏ ଏମିଟର୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ସେ କହୁଛି ଦ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ନିଡ଼୍ସ ଫର୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟରୀ ଥର୍ମୋନିକ୍ ଏମିସନ୍ ଇନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ସ ଲିମିଟ୍ ଦ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଏମିଟର୍ସ ଟୁ ସଚ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଆଜ୍ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ ଥୋରିଏଟେଡ୍ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ ଆଣ୍ଡ ସଟନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ କୋଟେଡ଼୍ ମେଟାଲ୍ସ। ସେ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର
थर्मोनिक एमिशन रे जेहेतु हाई टेम्परेचर एटारे हाई टेम्परेचर रे थर्मोनिक एमिशनटा होउछि सेथिपे हमर जो नंबर जहाँ भी सब मटेरियल किछ लिमिटेड हो जाइछि काहेकि ना मैक्सिमम मटेरियल बहुत कम मटेरियल अछि जो गुडा कि ए थर्मोनिक हमर थर्मोनिक एमिशन पे यूज करा होउछि। तो फर्स्ट होउछि कोन टंगस्टन यूज करा होउछि ताकु टंगस्टन को आउ टिके ता सहित थोरी माने टंगस्टन जेहेतु माने वर्क फंक्शन अधिक ता वर्क आउ गोटे धर हमर थोरियम सहित ताकु माने कौन से किसी थोड़ी थोरियम आड कला थोरीटे टंगस्टन हो जाए कि अच्छी सटन ऑक्साइड कोटेड माने सटन ऑक्साइड कोटेड माने धर निकेल रिबन ऑफ निकेल थी निकेल रिबन को ताकु ऑक्साइड कोटिंग कौन स्ट्रोंटियम कि बेरियम ऑक्साइड कोटिंग दिया थी ठीक अच्छे जहाँफल से इलेक्ट्रॉन एमिशन करा जाए पारे। तो जेहेतु माने हाई टेम्परेचर रे एटा को ऑपरेट करा हो जी इलेक्ट्रॉन एमिशन टाकु थु माने थर्मोनिक एमिशन टाकु सेति में आमे बहुत कम सेमिति सब माने मटेरियल अछि जोटा कि आमे ए केस रे यूज करछ तो ए गुडा हो जी सेति तो टंगस्टन ही नॉर्मली यूज करा जाए बाकी टंगस्टन थोरेटेड टंगस्टन आ ऑक्साइड कोटेड मटेरियल मेटल ठीक अछि। तापर हमर आसला कैथोड कंस्ट्रक्शन तो आम जानले कौन कौन एथे यूज करा जाई पारु छी ठीक अच्छे। तो ये जो टंगस्टन टा आम कौन टंगस्टन टा नॉर्मली यूज कराला पुराणा काल डेवलप कराई कि थोरेटेड टंगस्टन यूज कराला थोरेटेड टंगस्टन कौन एथे जो टंगस्टन उपर गोटे थोरियम रो कोटिंग दिया हबो जहाँफल तार इलेक्ट्रोन जेतिक टेम्परेचर से रन करुथला धर टंगस्टन जेतिक रन करुथला 2300 डिग्री सेल्सियस रे इलेक्ट्रोन एमिशन करुथला एबे जेतिक थोरेटेड टंगस्टन रे से कौन 1700 डिग्री सेल्सियस रे से बे इलेक्ट्रोन एमिट करियो किंतु ऑक्साइड कोटेड रे कौन हो जाउछि 750 डिग्री सेल्सियस रे भी हमर कौन इलेक्ट्रोन एमिशन होउछि। तो सबटु भलो थाले कोटा ऑक्साइड कोटिंग तो यहीटा जो थोरेटेड टंगस्टन टाइम हाई वोल्टेज यूज करा हो खाली टंगस्टन टा थोरेटेड टंगस्टन कौन ताकि कम वोल्टेज मैंने अप टू 500 कि 1000 किंतु ये जो ऑक्साइड कोटिंग टा यहाँ अप टू मैंने यहाँ लो वोल्टेज पूरा लो वोल्टेज अप टू 100 कि 200 यही वोल्टेज रेंज रे ही यूज करा हो ठीक अच्छे कहीं कम वोल्टेज रेंज रे भी एथु आम कौन इलेक्ट्रोन एमिट कर। तापर आसला कैथोड कंस्ट्रक्शन तो आम जानले जो एमिटर हूँ आम जो एमिट करुचे धर आम गोटे जिनस को आम जो सप्लाई दे सप्लाई देखिए हिट करुचे मानने डायरेक्ट हिट कर कि आम कौन मेटाल को गरम करार अच्छे धर या गोटे मेटाल यही मेटाल सरफेस रू आम इलेक्ट्रोन एमिट करवा तो यही मेटाल को आम धर करेन्ट देखिए धर आम यहाँ गोटे मेटाल यहाँ को आम फिलामेंट भाया डिजाइन करके पजिट देदे एपट को नेगेट देदे तो यहाँ गरम है इलेक्ट्रोन एमिट हे किमें कौन करवा ए मेटल को करेन्ट न देकी ए मेटालटा को आ भितर रखा माने मेटालटा धर एमिति रहला ता भितर गोटे हीटर रखिदेबा तो हीटर जते गरम हबो ए हीटटा कोन ए मेटल को ट्रांसफर होला तो मेटल जते गरम होला एते गरम हो गेला तेथु इलेक्ट्रॉन भी एमिट कर परिया सेही वे रे। तो आमर जो कैथोड कंस्ट्रक्शन अछि दी प्रकार कैथोड अछि ठीक अछि कोन अछि फर्स्ट होछि डायरेक्टली हीटेड कैथोड आ गोटे होछि इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड। तो डायरेक्टली हीटेड कैथोड कोन देख ये डायरेक्टली हीटेड कैथोड कौन देख यहाँ हूँ फिलामेंट ये फिलामेंट को डायरेक्ट आम सप्लाई देदे सप्लाई देखे कौन ए फिलामेंट करेंट फ्लो है करेंट फ्लो हो करेंट फ्लो होगा फल फिलामेंट हीट होट है इलेक्ट्रॉन एमिशन हो ठीक अच्छे। तो यहाँ हूँ तार सिंबल यहाँ हूँ ग्लास टीम मानने ग्लास चैम्बरटा होटा तो तुम्हें कहते ये कौन मानने देख देख यहाँ आमर धर एम गोटे ट्यूब धर मुझे जमी कैथोड आम से मैंने ट्यूब डायड भितर डायड पूर्व वैक्यूम ट्यूब था तो वैक्यूम ट्यूब कौन होता फास्ट एथर थर गोटे कैथोड था एथर गोटे आनोड था ये सप्लाई दिवाला एथर थर नेगेटिव दिहला ये पॉजिटिव दिहला तो यहीटा को जितेबाला एत सप्लाई दिगला जो एत एमती गोटे तार सटन भोल्टेज दिहब जहाँफल यू इलेक्ट्रोन सब एमिट कर युवा कहुए इलेक्ट्रोन एमिट कले आम एमती कौन आउटर मोस्ट रे कौन आउटर जो मैंने आउटर सर्किट रे करेंट फ्लो कला ठीक अच्छे। यहाँ हूँ डायरेक्ट कहीं आम डायरेक्ट से जो आम जो मैट यहाँ हूँ मेटाल रु यही मेटाल रु आम इलेक्ट्रोन एमिशन करार अच्छे तो यही मेटाल को ही आम डायरेक्ट करेंट सप्लाई देते जहाँफल मेटालटा हिट होटा कौन इलेक्ट्रोन एमिट कला। तो यहाँ हूँ तार फिगर देख यहाँ एटी सप्लाई दिखाई यहाँ हूँ फिलामेंट भाया कराई फिलामेंट रे सप्लाई दिखाई ये सप्लाई जो दिखाई यहाँ हिट होट है फल इलेक्ट्रोन एमिट होलेक्ट्रोन एमिट होपटे करेन्ट फ्लो ठीक अच्छे। यहाँ हूँ डायरेक्टली हिटेड कैथोड सेमती इनडायरेक्टली हिटेड कैथोड रू कौन मुझे कही तो यही आउटर मोस्टा यहाँ हूँ मेटाल कि मेटाल भितर ये चेन भाया यहाँ हूँ हिटिंग एलिमेंट तो यहाँ जब भितर हिटरटा गरम है बाहर पटा गरम हम बाहर पट गरम हेल्ले मेटाल सरफेस रू कौन हम आमर
कौन इलेक्ट्रॉन एमिट हम यहाँ हूँ तार सिंबल ठीक अच्छे। तो यहाँ हूँ गोटे माने नॉर्मली कौन आम धर से फिलामेंट को एमती गरम करते गरम करते इलेक्ट्रॉन एमिट होता कितु आम कौन करा जो फिलामेंट आम ए फिलामेंट न हो कि इलेक्ट्रॉन एटा गोटे आमर सरफेस यही सरफेस रूम इलेक्ट्रॉन एमिट हबार अच्छे तले आम धर यही हिटरटा रखीदे जहाँफल हिटरटा हिट हेले यही मेटालटा गरम कले ये मेटाल सरफेस रूम इलेक्ट्रॉन एमिट है ठीक अच्छे। तो ये फिगरटा से कही देख यो भितरटा पूरा जो रिंग मानने स्प्रिंग सेप होता हूँ हिटर हिटर उपर देख यहाँ जो कैथोड लगी कैथोड उपर ग्रिल लगी करेन्ट कंट्रोल पपोज नापर यहाँ हूँ आनोड। तो कैथोड रु आनोड को इलेक्ट्रॉन एमिशन हाँपा आनो ठीक अच्छे। तो ये थिला थर्मोनिक एमिशन। तो आशा कर बुझा पड़ थोड़ा जदि कौन भी डाउट रोचे तेल मतलब कमेंट कर मुझे सियोर ट्राए करी तुम डाउट क्लीयर करने आदि भल लगी लाइक कर आयार कर आ चेल को सब्सक्राइब कर धन्यवाद।